की वेबशाला। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 7.3 में एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन द सिंपलेस्ट फॉर्म में करना सीखेंगे। नंबर दे दिया है 4/24, ठीक है। तो हमें करना क्या है, हमें दोनों का एच सी एफ लेना है 4 and 24 का, ठीक है। तो 4 का एच सी एफ कैसे लेंगे, 2 की टेबल में 4 आता है तो 2 2s are 2 1s are, और 24 का 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are, ठीक है। तो फैक्टर्स ऑफ 4 क्या क्या है आपके, 2 into 2, तो यहाँ पे लिखना है 2 into 2। फैक्टर्स ऑफ 24 क्या क्या है, 2 into 2 into 2 into 3, ठीक है, 2 into 2 into 2 into 3। अब एच सी एफ ऑफ 4 and 24, एच सी एफ मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो यहाँ पे 2 है और ये 2 है, तो एक कॉमन हो गया, ये 2 और ये 2 कॉमन है, तो 2 into 2, जो कॉमन नंबर्स है हम उसको एक एक बार ही लिखते हैं, ठीक है, और जो बच्चे हुए उसको छोड़ देना है, तो 2 into 2 is equal to 4। तो एच सी एफ ऑफ 4 and 24 क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। अब नंबर ये है तो 4/24 हम एज इट इज नीचे लिखेंगे, जो एच सी एफ आया है हमको उससे डिवाइड करना है, तो डिवाइड का साइन लगाएंगे दोनों साइड, जब ऊपर हम 4 से डिवाइड करते हैं तो नीचे भी हमें 4 से डिवाइड करना है, ठीक है, तो 4 और 4 से डिवाइड करना है, तो 4 divided by 4 कितना होता है 1, और 24 divided by 4 कितना होता है 6, 4 की टेबल में 24 आता है कितनी बार, 6 बार, तो फ्रैक्शन हो गया 1/6। तो ये सिंप्लीफाइड मतलब अब इससे ज़्यादा इसको और हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो आंसर क्या हो गया आपका 1/6। नेक्स्ट जो नंबर है वो है 24/32, दोनों का हमें क्या लेना है, एच सी एफ लेना है, तो टेकिंग एच सी एफ ऑफ 24 and 32, ठीक है, 24 के फैक्टर्स निकाले हम लोगों ने, तो 2 1s are 2 12s are 2 6s are 2 3s are 3 1s are, 32 के फैक्टर्स निकाले 2 16s are 2 8s are 2 4s are 2 2s are और 2 1s are, ठीक है। दोनों के फैक्टर्स क्या है, फैक्टर्स ऑफ 24 is equal to 2 into 2 into 2 into 3, फैक्टर्स ऑफ 32 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ठीक है। तो एच सी एफ ऑफ 24 and 32, एच सी एफ क्या है दोनों के, 2 एक पेयर कॉमन आ जाएगी, दूसरी पेयर और तीसरी पेयर, तो 2 into 2 into 2, तो कितना होता है एच सी एफ 8 होता है, कितना होता है 8। जो नंबर था 24/32, दोनों को हमें डिवाइड करना है एच सी एफ से, एच सी एफ कितना है 8, तो 8 से डिवाइड करा हमने बोथ द साइड, और आंसर कितना आएगा, 8 की टेबल में 24 आता है तो 8 3s are 24, तो ऊपर 3 आ जाएगा न्यूमरेटर में एंड डिनोमिनेटर में, 8 की टेबल में 32 आता है, 8 4s are 32, तो 8 divided 32 divided by 8 is equal to 4। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है आपको 1, 3rd, 5th, 7th, 9th, 12th, 14th or 15th होमवर्क में करना है, कॉपी में, ठीक है, होमवर्क में आपको कॉपी में करना है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, दैट इज एक्सरसाइज 7.4, बिफोर वी हैव टू नो सम टर्मिनोलॉजी, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस दो तरह के होते हैं, लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विद द सेम डिनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शंस, जिनके भी डिनोमिनेटर सेम होते हैं, ठीक है, जैसे 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, तो सबके डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस, क्या बोलते हैं, लाइक फ्रैक्शंस। द फ्रैक्शंस विद डिनोमिनेटर डिफरेंट आर कॉल्ड एज अनलाइक फ्रैक्शंस, जिनके भी डिनोमिनेटर डिफरेंट है उसको क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 3/8, 1/9, 7/13, 4/15, ठीक है, तो इनके डिनोमिनेटर्स अलग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अनलाइक फ्रैक्शंस। नेक्स्ट आता है यूनिट फ्रैक्शन, वो फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर में 1 है और डिनोमिनेटर में कुछ भी है, जैसे न्यूमरेटर 1 होना चाहिए, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं यूनिट फ्रैक्शंस। एग्जाम्पल 1/2, 1/3, 1/4 and 1/15। प्रॉपर फ्रैक्शंस वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनका न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है, ठीक है, न्यूमरेटर शुड बी स्मॉल एंड डिनोमिनेटर शुड बी बिग और ग्रेटर, ठीक है। 1/3, 2/5, 6/7 जिनके न्यूमरेटर सब छोटे और डिनोमिनेटर बड़े, उन सबको क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शन। 4/9 and 9/11, द फ्रैक्शंस विद न्यूमरेटर लेस एंड डिनोमिनेटर आर कॉल्ड एज प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन वो फ्रैक्शंस होते हैं जिनके न्यूमरेटर बड़े होते हैं और डिनोमिनेटर छोटे, वाइस वर्सा होते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन के। 3/2, 4/3, 7/5, 11/9, 13/7 or 12/12, ये सारे कौन से फ्रैक्शंस होते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस होते हैं, ठीक है, या तो फिर वो क्या होते हैं, बड़े होते हैं या फिर इक्वल में भी हो सकते हैं। तो द फ्रैक्शंस विद अ न्यूमरेटर ग्रेटर देन और इक्वल टू द डिनोमिनेटर, अगर वो इक्वल भी है तो भी वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में आते हैं, इज कॉल्ड एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस।
नेक्स्ट आता है मिक्स्ड फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन कैसे होते हैं, जैसे 1 इंटीजर 1 अपॉन 2, 2 इंटीजर 3 अपॉन 4, 3 इंटीजर 4 अपॉन 7, 7 इंटीजर 8 अपॉन 9, 5 इंटीजर 1 अपॉन, जैसे ये आ गए. ठीक है, तो ऐसे नंबर जो होते हैं इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस. फ्रैक्शन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज कॉल्ड एज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, जैसे 3 इंटीजर 4 बाय 7, 7 इंटीजर 8 बाय 9, 5 इंटीजर 1 बाय 5, 6 इंटीजर 7 बाय 9. ठीक है, अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.4. राइट इफ द गिवन फ्रैक्शन इज अ प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड फ्रैक्शन. ठीक है, आपको लिखना है कि जो नीचे दिए गए हैं वो प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है या मिक्स्ड फ्रैक्शन है. 2 अपॉन 3, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसलिए कौन सा फ्रैक्शन हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट 11 अपॉन 3, न्यूमरेटर बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है, इसलिए कौन सा फ्रैक्शन हो गया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. 1 अपॉन 3, न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, इसलिए कौन सा हो गया, प्रॉपर फ्रैक्शन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, फ्रॉम द फ्रैक्शन गिवन बिलो पिक आउट 8 अपॉन 1. आपको बहुत सारे नंबर्स दे दिए, इसमें से आपको क्या करना है, ये कॉपी में करना है क्वेश्चन. तो देखो कॉपी में 2 प्रॉपर फ्रैक्शंस आपको पिक करना है. तो प्रॉपर क्या होते हैं, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो. तो दो नंबर कौन से, 3 अपॉन 8 है और 1 अपॉन 5 है, इसमें से जो क्या है 2 प्रॉपर फ्रैक्शन के एग्जाम्पल्स देना है. ठीक है, नेक्स्ट 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन. तो दो मिक्स्ड फ्रैक्शन कौन से, एक ये है 1 इंटीजर 3 अपॉन 4 और एक 4 इंटीजर 5 अपॉन 6. नेक्स्ट है 2 फ्रैक्शंस दैट कैन बी रिटन एज 1. जब ऊपर नीचे दोनों सेम नंबर होते हैं ना, तो हम उसको 1 के इक्वेट कर सकते हैं, 1 के इक्वल में लिख सकते हैं. तो इसका है 21 अपॉन 21 और 16 अपॉन 61. रिमेनिंग इसके साथ जो बी और डी है वो आपको होमवर्क में कॉपी में करना है. ठीक है, इसके साथ आपकी एक्सरसाइज 7.3 और 7.4 कंप्लीट होती है. थैंक यू.